मेरा नाम नागेंद्र वंशी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का इसमें काशी क्षेत्र का उपाध्यक्ष हूँ। पोर्टेबल ट्रस्ट जो बन रहा है वो ये इसका मेन कारण है कि यह राजा तालाब जो हमारा इलाका है यहाँ पे राजा तालाब और बगल में कछवा रोड एक सब्जी मंडी है। यह सब्जी मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक है। यहाँ से सब्जियाँ जो है पूरे पूर्वांचल में यहाँ इवन लखनऊ से लेकर गोरखपुर से और उसके बाद बिहार के सासाराम से लेकर झारखंड के सभी इलाकों में यहाँ तक कि कलकत्ता तक की यहाँ सब्जियाँ चाहे मटर हो चाहे टमाटर हो चाहे हमारा मिर्चा हो अन्य प्रकार की गोभी जो भी सब्जियां हैं वो जाती रही हैं और बड़ी मात्रा में यहां के किसान चूँकि छोटे किसान हैं बहुत से यहां पे वह लोग फूल की भी खेती करते हैं, गेंदे के फूल की खेती, इन सब की भी पूरा पूरे इधर पूर्वांचल और पूरे उत्तर भारत में इनकी सप्लाई जाती है। इसको ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए हमारे वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यहाँ के किसानों राजा तालाब स्टेशन के आपके यहाँ 300 मीटर दूर पर एक पोर्टेबल ट्रस्ट बना रहे हैं, उसमें कार्गो के माध्यम से वह एसी में एक हफ्ते तक उस जो कार्गो हमारा रहेगा उसमें एक हफ्ते तक हमारी सब्जियां वह ताजी और तरीन रहेंगी और हमारे किसानों को यहां जैसा वो कहते आए हैं कि हम अपने किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे उस संदर्भ में वह लगातार प्रयास करें। उसी संदर्भ में यह एक प्रयास है जिससे कि यहाँ के किसान की जो खेती कभी जैसे प्रचुर मात्रा में जब सब्जियाँ हो जाती हैं तो वह उनका उचित बाजार में मूल्य नहीं मिलता है। तो जैसा आप जानते हैं कि आजकल इंटरनेट के माध्यम गूगल के माध्यम से हमारे पूरे देश में सब्जियों का रेट मालूम हो जा रहा है, उस रेट को प्राप्त करने के लिए उचित रेट मिले, जैसे यहाँ पे अगर 4 रुपये किलो हमारा टमाटर मिल रहा है तो हमको 30 रुपये मुंबई में मिल रही है, दिल्ली में मिल रही है, तो यहाँ के किसान को उचित मूल्य मिले और उस कार्गो के माध्यम से अपनी सब्जियाँ वहाँ भेज सकें, ऐसी सुविधा हमारे किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी सांसद जी यहाँ कर रहे हैं जिसका उद्घाटन 14 तारीख को करेंगे। कितना खर्च आया है उसको बनाने में, क्या कुछ जानकारी? लगभग 2.5 करोड़ का खर्च आया है जैसा मेरी जानकारी है। कितने लोगों को फायदा मिलेगा इधर अगर बात करें? हमको लगता है कि यहाँ पे छोटे बड़े किसान मिला के हजारों के करीब किसान हैं यहाँ पे जो सब्जी और फूल की खेती करते हैं, तो उन हजारों किसानों को उसमें कुछ मध्यम दर्जे के किसान हैं, कुछ छोटे किसान हैं, कुछ बड़े किसान भी हैं, इन सबको उनके फसलों का उचित मूल्य मिले, उनकी सब्जियां बेकार न जाएं, सड़कों पर फेंकी न जाएं, दाम के अभाव में वह जो लागत उनकी खेती को उसको उचित मूल्य मिले, इस संदर्भ में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रयास है कि उनको उन सब सुविधाओं से युक्त किया जाए, हमारे किसान अपनी आय का दोगुना लाभ लें, इस संदर्भ में प्रयास करें।